हे गाइस, वेलकम बैक टू ट्रॉक बाबा, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग आज। माय फेवरेट टीम ऑफ दिस टूर्नामेंट डेनमार्क हैव बीन एलिमिनेटेड इन सेमीफाइनल्स आज यूरो 2020 के। और दोस्तों, काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग तरीके से और काफ़ी अनलकी तरीके से डेनमार्क जो है एलिमिनेट हुई है। गेम की बात करेंगे दोस्तों, अगेन अ वेरी रेजोल्यूट परफॉर्मेंस बाय डेनमार्क, शानदार डिफेंसिव डिस्प्ले बाय ऑल देयर डिफेंडर्स। अनलकी रहे थोड़ा सा पहले ओन गोल में और दूसरी पेनल्टी पे एक्स्ट्रा टाइम के बाद। दोस्तों, आज थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ डेनमार्क और लेस्टर सिटी के कीपर कैस्पर श्माइकल की। हम जब भी मॉडर्न गोल कीपर्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं डेविड डी गेया की, थीबो कर्टुआ की, मैनुअल नॉयर की, यान ओब्लाक की। इस कॉन्वर्सेशन में कभी भी हम कैस्पर श्माइकल को मैंशन नहीं करते हैं वैन वी टॉक अबाउट द ग्रेट कीपर्स इन द मॉडर्न गेम। आई थिंक दोस्तों, इट्स हाई टाइम कि वी स्टार्ट डूइंग दैट, क्योंकि कैस्पर श्माइकल का जो आज परफॉर्मेंस था, और ना कि आज दोस्तों, बहुत टाइम एंड अगेन उन्होंने अपनी क्वालिटी दिखाई है। इवन इन दी एफ ए कप फाइनल अगेंस्ट चेल्सी ही वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट, और कुछ कुछ सेव्स तो वो जो पुल ऑफ करते हैं, इट इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी, और काफ़ी अंडर रेटेड गोल कीपर। बुरा लग रहा है थोड़ा सा दोस्तों आज डेनमार्क के लिए। एक्स्ट्रा टाइम में भी आप देखेंगे तो पेनल्टी उन्होंने सेव कर ली थी, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर डेनमार्क एंड श्माइकल रिबाउंड सीधा हैरी केन के पैरों में, उससे उनको लीड मिली। कॉन्ट्रोवर्शियल था थोड़ा सा पेनल्टी डिसीजन, 50-50 था। आई डोंट नो क्लियर कट थी कि नहीं थी इन माय ओपिनियन। आई नो बाकी लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होंगे एंड आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट, बट वी कैन हैव अ डिस्कशन ओवर दिस। एक कंप्लीट डिस्कशन हो सकता है उस इंसिडेंट पे, बट आई थिंक कि इतने सॉफ्ट कॉन्टैक्ट के लिए इतने बड़े गेम में, यूरोपियन चैम्पियनशिप का सेमीफाइनल जो कि पोटेंशियली डिसाइडिंग मोमेंट रहा, फिर उस गेम का आप पेनल्टी दे देते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे मुझे बात समझ नहीं आई। इंग्लैंड की जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात करूँ, फर्स्ट हाफ में आई थिंक मेसन माउंट एंड बुकायो साका वर इंग्लैंड्स बेस्ट प्लेयर्स। कैल्विन फिलिप्स और डेक्लिन राइस का बिल्कुल भी प्रेजेंस नहीं था आज मिडफील्ड में, देवर बींग ओवररन। और जैसा दोस्तों मैंने अपने पिछले कई वीडियोज़ में भी बोला है कि डेनमार्क को थोड़ा सा 10-12 मिनट गेम का पेस समझने में लगता है, एंड आफ्टर दैट दे आर अ कम्प्लीटली डिफरेंट टीम। और आज भी हमने फर्स्ट हाफ में वही देखा, 15-20 मिनट के बाद जिस तरीके का गेम दिखाया डेनमार्क ने, इंग्लैंड को पूरा ओवररन कर दिया उन्होंने। उन्हीं के हाफ में मैच चल रहा था, डाम्सगार्ड की एब्सोल्युटली एस्टोनिशिंग फ्री किक, और फिर से हमने देखा कि एक शानदार गोल पड़ता हुआ इस टूर्नामेंट में, और हम सोचते हैं कि अब क्या, हाउ विल दिस टूर्नामेंट सरप्राइज अस। और हमने देखा आज पहला फ्री किक से गोल हुआ है दोस्तों इस टूर्नामेंट में, तो अगेन शानदार फ्री किक बाय डाम्सगार्ड, बट ब्रिलियंट रिस्पॉन्स फ्रॉम इंग्लैंड। और थोड़ा सा यहाँ पे क्रेडिट देना होगा गैथ साउथगेट को और मेंटालिटी को इंग्लैंड की, क्योंकि हमने देखा है कि पास्ट टूर्नामेंट्स में इंग्लैंड की टेंडेंसी रही है कि ऑब्वियस मैचेस में जो लगता है कि वो जीत सकते हैं, या तो लीड लेके उसको बॉटल कर देते हैं या चोक हो जाते हैं, ब्रेक डाउन नहीं कर पाते डिफेंसिस को। लेकिन आज हमने देखा कि ना केवल उन्होंने इक्वलाइज किया, बट एक्स्ट्रा टाइम में मैच जीता भी, और पेनल्टी मिली कॉन्ट्रोवर्शियल फैशन में, बट वो उस पोजीशंस में पहुंच रहे थे और थोड़े चांसेस मिल रहे थे। डेनमार्क की टीम दोस्तों थोड़ी वॉर्न आउट लग रही थी, और लग रहा था कि थक गए हैं प्लेयर्स एक्स्ट्रा टाइम में, बट लगे हुए थे वो, बहुत कोशिश करी, बहुत जान लगा रहे थे, मज़ा आ रहा था उनका गेम देखने में। डोलबर्ग अगेन हैड अ गुड परफॉर्मेंस, एक दो काफ़ी अच्छे शॉट मारे उन्होंने। मार्टिन ब्रैथवेट हैड अ डिसेंट गेम ऑन राइट विंग, उनका मुझे मतलब लिंकअप प्ले और जो थोड़ा प्रेजेंस था वो थोड़ा थ्रेटनिंग था, वो अच्छा लगा। हॉयबियर अगेन हैड अ गुड गेम। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट मैं कहूँगा था डेनमार्क के लिए इन द मैनर इन विच दे कंसीडर्ड बोथ द गोल, स्पेशली द फर्स्ट गोल कवर्ड था, बट सिमोन कियर हैड अ वेरी लिटिल रूम टू रिएक्ट, जिस तरीके का क्रॉस डाला बुकायो साका ने, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे वो। बट अगेन दोस्तों, ह्यूज अप्रिशिएशन एंड कूडोज टू डेनमार्क, जिस तरीके का उन्होंने गेम इस टूर्नामेंट में दिखाया, स्पेशली आफ्टर वॉट हैड हैपन टू क्रिश्चियन एरिक्सन। दोस्तों बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था वो जो हमने देखा था फिनलैंड के मैच में, और फिनलैंड के अगेंस्ट वो पहला मैच हारे, बेल्जियम के अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करके वो 2-1 हारे, बट हमने रशिया के अगेंस्ट उनका असली परफॉर्मेंस देखा दोस्तों, कि किस तरीके का गेम दिखा सकती है डेनमार्क जब उन्होंने उनको 4 गोल मारे थे, एंड दे मेड इट क्वाइट ईजिली इवेंचुअली टू द सेमीफाइनल्स। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और मज़ा आता दोस्तों अगर इटली और डेनमार्क का फाइनल देखने को मिलता, बट कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द फैंस हु आर सपोर्टिंग इंग्लैंड इन टुनाइट्स गेम, एंड इज इट कमिंग होम, लुक्स लाइकली नाउ। 55 ईयर्स ऑफ वेट माइट बी ओवर, 1966 के बाद पहला मेजर फाइनल खेलेगी दोस्तों इंग्लैंड, बट अगेन इटली को आप काउंट आउट नहीं कर सकते। आई थिंक
in terms of the balance, in terms of tactics, in terms of the setup. Italy are a bit better than England right now. और इंग्लैंड की दोस्तों बात करूँ तो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया लास्ट वाला डिसीजन गैरेथ साउथगेट का, जो उन्होंने ग्रीलिश को हटा के ट्रिपियर को अंदर डाला और स्टर्लिंग को उन्होंने सब ऑफ नहीं किया. थोड़ा सा मेरे को वो चीज़ समझ नहीं आई. और शायद दोस्तों ग्रीलिश इंजर्ड थे तो आई माइट हैव मिस दैट, बट मुझे ऐसा लगा नहीं देख के. बट थोड़ा सा क्वेश्चनेबल डिसीजन साउथगेट. लेकिन दोस्तों अब आप ज़्यादा कुछ बोल सकते नहीं हैं गैरेथ साउथगेट के लिए, क्योंकि 2018 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल एंड नाउ यूरो 2020 फाइनल, तो ही हैज़ डन अ रियली गुड जॉब एज फार एज द रिजल्ट आर कंसर्न. और अल्टीमेटली सारे इंग्लैंड फैंस को वही चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि इंग्लैंड की जो टीम है हमेशा किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, किसी भी मेजर टूर्नामेंट में, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीम्स ऑन पेपर. बट वो हमेशा जो हाइप होती है उस पर लिव अप नहीं कर पाते. बट इस बार दोस्तों हमने देखा है कि दिस टीम हैज़ डिलीवर्ड रिजल्ट्स, और पूरे स्क्वाड का प्रॉपर यूज़ भी कर रहे हैं गैरेथ साउथगेट, शेप में चेंज कर रहे हैं, ब्रेव डिसीजंस इन टर्म्स ऑफ नॉट प्लेइंग जेडन सैंचो, मार्कस रैशफर्ड, फिल फोर्डन को दो गेम स्टार्ट करा के फिर बेंच कर दिया, बुकायो साका को प्रेफरेंस दिया जा रहा है जेडन सैंचो के ऊपर. तो ये कुछ डिसीजंस हैं जिनके लिए क्रेडिट देना चाहिए साउथगेट को. अच्छा काम कर रहे हैं वो, इंग्लैंड को फाइनल में पहुँचाया. और दोस्तों बस अब एक मैच बचता है यूरो 2020 में, और हमको पता चल जाएगा कि हमारा विनर और यूरोपियन चैम्पियन कौन होगा. विल इट बी इटली और विल इट बी इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, तो देखेंगे दोस्तों. 11 तारीख को फाइनल है, और उसी दिन दोस्तों सुबह कोपा अमेरिका का भी फाइनल है. अर्जेंटीना और ब्राज़ील का फाइनल हो गया है, जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था अपने क्वार्टर फाइनल ड्रॉ के बाद कि ये दो टीमों में हो सकता है लाइकली फाइनल. और कल हम बात करेंगे कोपा अमेरिका की. आई नो कि आज सुबह ही हो गया था सेमीफाइनल अर्जेंटीना और कोलंबिया का, और मुझे उस पर बात करनी चाहिए थी. बट दोस्तों आई वॉज अ बिट हार्ड प्रेस टूडे, और थोड़ा सा मैं आज बिजी था तो मुझे टाइम मिला नहीं वो वीडियो करने का. बट डेफिनेटली कल मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँगा, और कल हम बात करेंगे कोपा अमेरिका की, रोड टू द फाइनल की दोनों टीम्स की, और प्रिव्यू करेंगे दोस्तों उस मैच में, और बात करेंगे कि मुझे क्या लगता है कि क्या हो सकता है. तो चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक अपना ध्यान रखें, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ फैमिलीज, गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई.